स्वागत है आपका जिनवाल फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, इससे पहले जो ब्लॉग डाला है वो रानी का बहुत डरावना हादसा वाला है, लेकिन कोई नहीं, अब हमारा है तो हम ये भी खुशी मनाते हैं कि भगवान ने हमें इतना अच्छा चांस दिया। तो ये रानी का ब्लड टेस्ट हुआ था तो उन्होंने मंगलवार को बुलाया, तो आज है मंगलवार, तो आज जा रहे हैं हम रानी के रिपोर्ट लेने और चेकअप होगा, क्योंकि रानी के ना अभी दर्द है। शायद उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा गंदा टक रहा है अभी अंदर, मतलब पेड़ों में उसके दर्द हो रहा है, थोड़ा थोड़ा गंद निकल रहा है लेकिन इतना नहीं निकल रहा। उस दिन निकला था, हाँ, जिस दिन दवाई दी थी ना डॉक्टर ने, हम गए थे, और अब देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। तो शाम को 7 से 8 बजे डॉक्टर बैठेंगे। तो अब मैंने जल्दी जल्दी सब्जी बनाई, बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, फिर उसके बाद मैंने आलू काटे रानी ने, और रानी के लिए घिया बना रही हूँ, और आलू तो बन चुके हैं, घिया में भी सीटी आ रही है। तो सब्जी बना के मैं जा रही हूँ, और प्रिया बना रही है रोटी, रानी ऐसे ही जा रही थी, मैं कहा थोड़ी तैयार हो जा, ऐसे मत जा, पागल है तो बिल्कुल, कह रही नहीं ऐसे चल रही हूँ, तो थोड़ा सा तैयार करा मैंने। रानी को दिखाती हूँ मैं, पानी लेने गई है वो अपने लिए, वो कह रही थी बोतल, उसके लिए बोतल गर्म पानी की हमने भर के रख रखी है अजवाइन के पानी में, अजवाइन का पानी, क्योंकि कहते हैं ना कि जापा सही होता है ये भी। तो आ गई, पानी गर्म करने आई है वो, थोड़ा आराम है उसे, क्या कर पानी बोतल में ठंडो कैसे हो, उसके ढक्कन ढीला छोड़ दियो का अपने, इतना गरम तो है तो ना गरम ना, और ये पानी गरम गरम अच्छा ना। कौन सा लोटा वाला रख रहा है, अजवाइन का पानी सुबह ही पका दिया था इसका। सब्जी अब एक से क्या आई थी, अभी एक आई है, मैंने आलू की सब्जी बनाई है आज, आलू इसलिए ऐसे बनाए हैं क्योंकि आज बनना है रायता, मम्मी कह रही थी रायता बना लेते हैं, बड़े दिन हो गए, मम्मी आज मैं तो मुश्किल बना पाऊंगी रायता, मम्मी से बोलूंगी मम्मी यहाँ पे बना लो, मैं तो रानी के साथ जा रही हूँ हॉस्पिटल, और पानी आता है तभी हमारे, मैंने तो सब्जी बना दी है, पानी आता है तभी बनेगा रायता। खेलेगा, रोता है ना वो, जब रोता रहेगा जब समझ जाना कि नहीं रह पाएगा दूध के बिना। डॉक्टर के जा रही है ना, दो लाए था मम्मी बूंदी का रायता बनाने के लिए, इमरान जी तो एक बूंदी बच्चे खा गए, उनको अच्छा लगता है, पानी मोटी हो गई तुम, तेरी खवाई अच्छी कर दी मैंने, देखा जापा सो होगा बहन, नहीं जापा ही होता है ये चीज का भी है ना, बोली तो जन फोन तो करो था, और रानी का शुगर भी अब कंट्रोल में, रानी शुगर की दवाई खा रही है उससे आराम है रानी को, तो उस दिन तो बहुत था लेकिन अब कम हो गया, सुबह शाम से ऐसा भी है अब कंट्रोल, अभी थोड़ा मैं मीठा खा रही हूं इसीलिए थोड़ा और कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन डॉक्टर ने ये बोला है कि अगर आपको भी, आपने देखा इससे पहले जो ब्लॉग डाला उसमें आपने सुना भी होगा, अगर आपको बेबी चाहिए तो इंसुलिन पूरे 9 महीने लगेंगी, कोई बात नहीं लग जाएंगी, लगवाने के लिए तैयार है हम, आप लोगों की दुआ है तो दोबारा से आएगा, हां दुआ ही है भगवान की, तो इंसुलिन लगेंगे रानी के पूरे 9 महीने, तो रानी का शुगर कंट्रोल रहेगा, तो हाँ जब बेबी होगा, बेबी पेट में होगा जब, हाँ अभी तो दवाई अभी मेरे हाथ में कैसे पता नहीं, अब मैम क्या कहती हैं क्या नहीं कहती हैं डॉक्टर, है ना, सब अच्छा ही बताएंगे, रिपोर्ट में देखते हैं क्या आया क्या नहीं, पता उस दिन अल्ट्रासाउंड वाले बुला रहे, कह रहे पेशेंट ही जाता है, ये कह रही नहीं मुझे डर लग रहा है, फिर वहाँ पे जो उस पर बैठी रहती है ना लड़की, क्या बोलता है काउंटर में लड़की बैठी रहती है ना, कह रही आपको इतना डर लग रहा है तो चलो मैं चलती हूँ, तो भेजा नहीं करी इसको, मना कर दिया था, कह रहे नहीं पेशेंट नहीं ला रहा है, और वैसे डर भी थोड़ी शर्म आती है,
पता नहीं सब सरफ निकल जाते जब भालक होंगे। करना पड़ा है, एडजस्ट क्या करें। तो चलो बने रहना, आप चलते हैं, हम हॉस्पिटल की जब आवाज मारूंगी। चेहरे से भी लग रहा है अभी थोड़ा ना इसका दर्द, मतलब है पेट में, जब इसके ना पेट दर्द हो रहा है। पहले की जितना दर्द नहीं हो रहा था, जैसे पहले तड़पती थी दर्द के मारे, अब तो कम है। मैंने इतना कोशिश कर रही हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल में बनाने की, आप कहोगे कि ऐसी चीज दिखा रहे हो, हम इसलिए दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया है, लेकिन और किसी के साथ ना हो, ध्यान रखें सभी, है ना। थोड़ा सा अपना ध्यान हमने लापरवाही बहुत बड़ी करी है, पता है। मैं इसे हमेशा कहती थी, रानी चेक कर, कहती थी नहीं मेरा मन ना अंदर से फिर रोता है, अब कहीं पता नहीं मेरी किस्मत कैसी मारी गई थी, मैंने अब कहीं नहीं बोला इसको, और अब कहीं हो गया पता नहीं ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे भी डॉक्टर नहीं था, वहाँ पे भी सूजा ने डॉक्टर ने से बोला था, मैम इंजेक्शन लगा रही थी, वो दर्द का इंजेक्शन लगा रही थी, तो इसने बोला कि इंजेक्शन अभी मत लगाओ, पहले इसके चेक करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी कोई अंदर कुछ है, तो कह रही नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कह रही नहीं मैम आप एक बार मेरे कहने से चेक करो। तो उन्होंने जब चेक करा ना, तो जब और पता है उस दिन ना इसके इतने दर्द उठ रहा था, जीजा घबरा रहे थे और प्राइवेट डॉक्टर नहीं थे कोई हॉस्पिटल में, तो जीजा कहने लगे, हाँ तो जीजा कहने लगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले चलते हैं हम। तो मेरे मन से पता नहीं क्या निकले, मैं जीजा पूछो रानी से, मैंने क्या बोला रानी सही बताइयो, जीजा से प्राइवेट में लेके जाओ, मैं सरकारी वाले 2-3 इंजेक्शन लगा देंगे, दर्द ठीक है, जाओ घर, इंजेक्शन लगा देंगे, डायरेक्ट चेक भी करेंगे, प्राइवेट में अच्छी तरह चेक करेंगे, फिर डॉक्टर तो कहीं मिले ना प्राइवेट में ना, फिर इमरजेंसी में हमने दिखाया हॉस्पिटल में जाके, जो मतलब डॉक्टर हमारी जान पहचान है, हमारे देवर है, उनकी भी जान पहचान है, हमारी भी है, लेकिन उनकी थोड़ी इसलिए कि उनकी वाइफ की ना डिलीवरी वहीं पर हुई है, तो उनकी जान पहचान इसलिए ज्यादा है, तो हमने उनको बुलाया, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया रानी के साथ, तो कहने लगे तो भाई हॉस्पिटल में दिखाओ, तो कह रहे मैं डॉक्टर नहीं बैठ रही होली की वजह से, तो वो कहने लगे भाई तुम टेंशन क्यों कर रहे हो, मैं अभी फ़ोन करता हूँ डॉक्टर ने अभी आएगी, तो हमारे देवर है ना उन्होंने फ़ोन करा, और उन्होंने कहा 5 मिनट में लेके आ जाओ, क्योंकि उस टाइम मेरा दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि लेके आ जाओ जल्दी से, तो फिर हम जैसे ही गए ऐसे डॉक्टर ने आ गई थी वहाँ पे, फिर डॉक्टर ने ना तुरंत ही जब मेरे को देखा था, थोड़ा पैसे एक्स्ट्रा लिए, तो वो तो खैर कोई बात नहीं, वो तो उनका काम है, तो भैया लेंगे भी, हमारे लिए स्पेशल आई थी, मेरे को आराम लग गया है थोड़ा सा, पहले से थोड़ा आराम। चलो मिलते हैं हॉस्पिटल में, चोरी चुपके से व्लॉग बनाऊंगी दिन बनाया था मैंने ना, डर सा लग रहा था कि डांट ना पड़ जाए, अब और बनाऊंगी चोरी चुपके से, तो क्या है आपने ये मत सोचना कि सब चीज दिखा रहे हैं, हम इसलिए दिखा रहे हैं आपको ये ना लगे कि हम आपसे कुछ छुपा रहे हैं फ्रेंड्स, और जिस चीज़ से फ़ायदा लगा है वो हम बताएंगे इससे आगे वाले व्लॉग में, कि रानी को किस चीज़ से फ़ायदा लगा है, ठीक है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं, बहुत देर हो गई, मैं सदी चेक कर लूँ। हम निकल चुके हैं, जीजा कह रहे हैं रानी से थोड़ा सा चल, पास ही यहाँ पे डॉक्टर, तो जीजा कह रहे हैं थोड़ा सा चल, तो उन्हें तो अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, गुस्सा कर रहे हैं, वो तो थोड़ी हिम्मत ला अपने अंदर, वो भी सही कह रहे हैं कि हिम्मत ला, तो रानी धीरे धीरे चल रही है, जैसे चला नहीं जा रहा, लेकिन जीजा का भी कहना सही है, क्योंकि थोड़ा सी हिम्मत लाएगी जब इस शरीर थोड़ा ठीक रहेगा इसका, पास नहीं है हॉस्पिटल, हाँ थोड़ी सी पास है यहाँ पर, इनको दिखाओ डॉक्टर साहब से दवाई लिखवाओ, क्या दवा ले रही हो शुगर की? अभी तो मैं एक चूरन है वो खा रही हूँ, चूरन खाई है, वो चूरन खाते खाते 10 से 11 पहुँच जाएगा, तुम भी ऊपर चढ़ी हो, HbA1c 10 है, हाँ जाओ जाकर दिखाओ डॉक्टर अनिशा को।
ऐसा लग रहा था कटा। बेटा वो पूरा निकल जाएगा ना तो दर्द सही हो जाएगा। हाँ वो पूरा निकल जाएगा तो सही हो जाएगा। अभी तो तुमने परसों ही तो दिखाई है। हाँ तो निकल जाएगा अपने आप, धीरे धीरे ब्लीडिंग भी निकल जाएगी और वो निकल जाएगा सारे। ये जो अभी गड़बड़ है ना वो जरूरी है तुम्हारा कंट्रोल होना। जो मैम दवाई लिखी थी वो तो एक दिन की थी। जो दवाई दी थी आपने दर्द की वो दोबारा तो निकलेगी? नहीं नहीं अभी नहीं लेने की जरूरत है। अच्छा उस टाइम तो बहुत ज्यादा था तो सही कह रही है, शुगर की वजह से हुआ ये सब। तो खाली पेट था क्या? खाली पेट था, सुबह चाय पीने से पहले ना खाना। इनको भी नहीं कह सकते कि चूर रखे तो कौन सा चूर है, नाम कौन सा है, क्या जो डॉक्टर ने ना आप जाने में दिखाने वो शुगर की है स्पेशल। हाँ तो उससे पता चलेगा। करने तू अपने दिमाग कम चलेगी थोड़ा, ठीक है मेरे पास 15 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड होगा। अब नहीं आना मेरे पास, अब इन्हीं के पास आना है शुगर को लेने के लिए। आपको क्या क्या नहीं लेना, आपको गुड़ नहीं लेना, चीनी नहीं लेनी, आपको शहद नहीं लेना। क्या लेना है? शुगर फ्री। और मैं फिर से कह रही हूँ कि कोई भी चूर्ण कोई भी चीज आपको हेल्प नहीं करेगी, आपकी और डायबिटीज को खराब करेगी। डायबिटीज को से बचना क्यों जरूरी है? डायबिटीज से बचना इसलिए जरूरी है कि अगर आप सोचो कि अगर आपके शरीर में 2 चम्मच चीनी रहती है नॉर्मली, सही से खींच, नाम ही समझ में नहीं आ रहा उसका। वो अंदर हिल गया तो आराम से शांति से खींच, दोनों हाथों को काबू करके देखिए हम चेकअप करवा के आ गए हैं, दवाई ले रहे हैं। अब दवाई ले रहे हैं, यहाँ पर लग रही है बहुत तगड़ी वाली भीड़। और एक बात राघव की तरह एक लड़का और मिल गया, देख सकते हैं बैठा जो आगे को राघव रानी कह रही है राघव इंतजार करते करते यहाँ आ गया। देखिए जो भी डॉक्टर ने बताया जैसे बताया हम आपको बता रहे दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स हम इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं। लाइक अब मैं लाइक सब्सक्राइब तो नहीं करूँगी, लेकिन आगे वाला ब्लॉग आएगा वो सोच मेरे चेहरे पे और हंसी हो। हाँ तो जो होना है वो तो हो गया, लेकिन आगे के लिए सोचना पड़ता है। तो इस ब्लॉग का मैं एंड करते हैं, क्योंकि घर जाके खाना खाएंगे फिर बहुत तेज भूख लग रही है मुझे तो। मेरे को बहुत डांट मारी है, चूरन चटनी खाती है शुगर, चटनी से तो ऊपर पहुंच लोगे। सही कह रहे थे।
समझाया है, अच्छी तरह से, और हमें भी समझाया है।